सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने कहा कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि जहां जहां तबाहकारियां हुई सबके मसाइल उजागर किए जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध हुकूमत कराची में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है जबकि विफाक पर सिंध समेत दीगर सूबों की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कराची में बारिशों से तबाहकारियां हुई लेकिन सिर्फ कराची नहीं जहां जहां तबाहकारी हुई सबके मसाइल उजागर किए जाएंगे। सईद गनी ने कहा कि कराची में दीगर शहरों की नस्बत अगर मसाइल हैं तो वसाइल भी दस्तयाब हैं लेकिन विफाक अगर सिंध को फंड्स दे दे तो वो मामलात में मदाखलत नहीं होती और हमने 10 अरब डॉलर्स नहीं मांगे सिर्फ मसाइल के हल में तावुन की बात की है। उन्होंने कहा कि S3 और K4 का मंसूबा फंड्स ना होने के बायस रुके हुए हैं। कराची शदीद तूफानी बारिशों के बाद अब कई मसाइल में घिरा हुआ है जिसके बाद हुक्मरान और दीगर सियासी जमातों के रहनुमा कराची का दौरा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कराची के दौरे पर पहुंचे जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी कराची के दौरे पर है। इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जुमे को कराची के दौरे पर पहुँचेंगे।